नमस्कार। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे जो देर से शुरू होते हैं और देर के बाद बी की फॉर्म होती है, मीन्स इज एम, एम तो होगा नहीं, इज या आर या वाज या वर होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। तो हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पे, देर इज़ नो बुक टू रीड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये सेंटेंस है देर से शुरू है, देर के बाद में ये बी की फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे एक नाउन है और उसके बाद टू है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको इस सेंटेंस में मिलेगा। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको क्या करना है, जैसे टू रीड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टू को तो बना देना है टू बी और इसकी बना देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है इसमें, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ये बना है देर इज़ नो बुक और जो टू रीड है उसका बन गया टू बी रेड। बस इतना सा काम करना है और कुछ आपको कुछ नहीं करना है इस ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है देर इज़ नो टाइम टू लूज़, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो ये लास्ट में जो टू लूज है इसको कर देंगे टू बी और लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, ठीक है। और जो इससे पहले का जो है वो जो का त्यों लिख देंगे, तो ये लिख देंगे हम देयर इज नो टाइम। तो ये आप देख रहे हैं यही था, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ इसको हमने टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म किया है। तो चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो देर वर मैनी पीपल टू फीड, अब यहाँ पे देखिए टू फीड है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसको बनाना है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म फेड, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, ये जो ये आप देख रहे हैं देर आर देर वर मैनी पीपल, सिर्फ आपको यही लिखना है जो कहते हो, तो देर वर मैनी पीपल, पी ई ओ पी एल ई पीपल, आगे टू बी फेड, तो ये हो जाएगी पैसिव वॉइस देर वर मैनी पीपल टू बी फेड। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है देर इज सम मनी टू स्पेंड। तो देखिए देर इज़ सम मनी टू स्पेंड, तो यहाँ पे टू स्पेंड जो है इसको हमने बना दिया टू बी स्पेंट और ये जो है देर इज़ सम मनी उसको हमने लिख दिया देर इज़ सम मनी जो का त्यों, ठीक है। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस हो गया, बड़ा ही आसान है, पैसिव वॉइस हो गया और ये हमारा एक्टिव वॉइस था। तो देर से शुरू होने वाले सेंटेंस को ऐसे आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, ये है देर आर सम क्लोथ्स टू वॉश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू वॉश, तो इसको हमने बना दिया टू बी वॉश्ड, ठीक है। और ये जो है देर आर सम क्लोथ्स, इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया देर आर सम क्लोथ्स। उसके बाद है देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन टू गिव, तो यहाँ पे ये टू गिव है, इसको हम बना देंगे टू बी गिवन और यहाँ पे देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे देर इज नो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देर इज नो इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन। चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं, देर इज नथिंग टू वीप फॉर। तो टू वीप फॉर, अभी एक छोटा सा आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दिया होगा, टू के बाद वर्ब है और वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको टू को बनाना है टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं तो भी हो जाएगी वेप्ट, प्रीपोजिशन है इसके साथ रख दो, कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद ये देर इज नथिंग, ये जिससे पहले इसको ज्यों का त्यों लिख दो देर इज नथिंग, तो हो जाएगा देर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसमें भी देखिए टू लाफ और प्रीपोजिशन है एट, तो क्या करेंगे टू का बना देंगे टू बी और उसके बाद लाफ का हो जाएगा लाफ्ट थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीपोजिशन रख दिया हमने। और उसके बाद देर वाज नथिंग है, तो ये देर वाज नथिंग यहाँ पे हमने रख दिया देर वाज नथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा देर वाज नथिंग टू बी लाफ्ट एट। तो
छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।